आप सभी स्टूडेंट्स का नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल गुरुजी की करंट अफेयर्स की एंड जीके की क्लास में स्वागत है। आज की तारीख 5 तारीख है, 5 जून। तो हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। फर्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का मूल्यांकन, मानकों का मूल्यांकन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो उसका उत्तर होगा भारतीय खाद्य पदार्थ का सुरक्षा मानकों पर मूल्यांकन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, जिसको शॉर्ट में FSSAI बोलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि FSSAI की फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर होगा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण। सेकंड क्वेश्चन, इकोसिस्टम को नुकसान होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा लैंड और सी यूज में बदलाव। थर्ड क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, क्यों शुरू किया गया और कहां पर किया गया? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार उग्रवाद को खत्म करने के लिए एक चलाया गया सैनिकों द्वारा अभियान था, और ये कहां पर किया गया? तो इसका उत्तर होगा सिखों के धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर के अंदर। और कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1984 में। दोबारा सुनिएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, क्यों शुरू किया गया और कहां पर किया गया? इसका उत्तर है 1984 में उग्रवाद खत्म करने के लिए सिखों के धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर में शुरू किया गया। फोर्थ क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये जैसे कॉन्स्टेबल वाले छोटे मोटे पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, और ये अगर आपको नहीं आता है तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आज ही के दिन 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भूमि अवाप्ति अधिनियम में बदलाव कर नई लैंड फॉर लैंड पॉलिसी लागू की गई है। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि लैंड फॉर लैंड पॉलिसी अभी हाल ही में किस राज्य में लैंड फॉर लैंड पॉलिसी लागू की गई है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में। और इसमें कौन से अधिनियम में बदलाव किया गया है और इस पॉलिसी को लागू किया गया है लैंड फॉर लैंड पॉलिसी को? तो उसका उत्तर होगा भूमि अवाप्ति अधिनियम में बदलाव कर। लास्ट क्वेश्चन इसमें यह आ सकता है कि इसमें क्या बदलाव किया गया है? तो इसका उत्तर होगा पहले जहां पर जमीन के बदले में विकसित जमीन 25% तक दी जाती थी, वहां पर अब बढ़ाकर 50% तक विकसित जमीन दी जाएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से गांव में एक ग्रामीण परंपरा के अनुसार पेड़ काटना तो दूर, वहां पर पत्ते व दातुन तोड़ना भी वर्जित है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान के जालोर जिले के थलवाड़ा गांव में, जहां पर 1,00,000 से ज्यादा नीम के पेड़ है, वहां पर ग्रामीणों द्वारा एक परंपरा है कि वहां पर किसी भी पेड़ को काटना, उसका पत्ते तोड़ना या तक दातुन तोड़ना भी वर्जित है। सेवेंथ क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी इगा स्वातेक ने गाफ को हराकर 4 साल में दूसरी बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं कि फ्रेंच ओपन किसने जीता? तो इसमें उत्तर होगा दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वातेक ने 4 साल में लगातार दूसरी बार जीता है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि इगा स्वातेक ने फ्रेंच ओपन फाइनल में किससे हराया? तो उत्तर होगा गाफ को। और इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ग्रैंड स्लैम टाइटल किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंच ओपन, जो कि एक टेनिस स्पोर्ट्स है, उसमें फ्रेंच ओपन से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन थे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे दिनों से शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।